हाय फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग आरसीसी 1 सब्जेक्ट कर रहे हैं आरजीपीवी के अकॉर्डिंग, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। और हमारी यूनिट फर्स्ट हो चुकी है, यूनिट सेकंड का हमारा थ्योरी पार्ट और एक न्यूमेरिकल हो चुका है। तो अभी हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इफेक्टिव स्पान ऑफ द बीम इज 5 मीटर एंड द बीम इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 20 kN/m एक्टिंग ओवर इट्स स्पान, ठीक है। डिजाइन अ रेनफोर्स्ड बीम विद क्रॉस सेक्शन ऑफ 200 by 300 mm। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बीम का इफेक्टिव स्पान दिया है और बी और डी दिया है और लाइव लोड दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिज़ाइन करना है रेनफोर्स बीम को, ठीक है, डिज़ाइन करना है। तो अब हमको ये भी देखना है सबसे पहले तो कि सिंगली है कि डबली है, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली स्टेप क्या होती है, स्टेप नंबर 1, गिवन डाटा लिख लेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। और डिज़ाइन, अगर आपको बोलते हैं कि डिज़ाइन अ रेनफोर्स बीम, तो आपको कहाँ तक कर रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में किया था, शियर एनफोर्समेंट भी डिज़ाइन किया था, जैसे VU, TauV, TauC सब निकाला था, वहाँ तक के डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो आप गिवन डाटा लिख लेंगे सबसे पहले, B की वैल्यू कितनी दी है, 200 mm, फिर कैपिटल D दिया है उसने। अब देखिए, क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है इफेक्टिव या ओवरऑल, अगर ऐसा नहीं बोला है तो हमको कैपिटल B और कैपिटल D लेना है, ठीक है। और अगर बोलता है कि इफेक्टिव विड्थ एंड इफेक्टिव डेप्थ, या फिर ऐसा बोलते हैं कि सेक्शन हैज इफेक्टिव डायमेंशन 200 by 300, तो मतलब स्मॉल डी की वैल्यू दी है, ठीक है। अब इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकलेगी, कैपिटल डी माइनस डी डैश, तो कवर हमको कितना लेना है, 40 या 50 mm का, ठीक है, या 30 mm का भी ले सकते हैं हम, तो इसमें हम 30 mm का कवर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगी 270 mm, ठीक है। 30 mm का क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि विड्थ भी 200 दी है, तो एटलीस्ट नियर अबाउट 1/2 का डिफरेंस होना चाहिए बी और डी का, इसलिए हमने 30 mm लिया है कवर, ठीक है। डी इज इक्वल्स टू 30 mm अज्यूम किया है हमने। अब इसके बाद एक और चीज़ उसने क्या दी है, लाइव लोड दिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी कि लाइव लोड दिया है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लाइव लोड इज इक्वल्स टू 20 kN/m। अब और कुछ भी नहीं दिया है इसने, एक डी स्पान दिया है, स्पान लेंथ जिसको हम एल से डिनोट करेंगे, वो कितनी दिया है, 5 मीटर्स यानी कि 5000 mm। अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील की भी ज़रूरत हमको पड़ती है, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील हम कितना ले लेंगे, एफ सी के हम अज्यूम कर लेंगे 25 यानी M25 ले लेंगे हम, और Fe 415, ठीक है, Fe 415 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है और ये ग्रेड ऑफ स्टील है, तो इससे हमको FCK मिल जाएगा 25 N/mm² और FY मिल जाएगा 415 N/mm², ठीक है। तो ये हमारी हो गई स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब क्योंकि ये लाइव लोड दिया है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया है, और टोटल लोड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लोड कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो लोड कैलकुलेशंस में हम फिनिशिंग लोड अज्यूम करते हैं, मैंने पहले भी बताया था 0.6 लेते हैं हम फिनिशिंग लोड, डेड लोड हम निकालेंगे और लाइव लोड, तीनों को प्लस करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 है हमारी कैलकुलेशन ऑफ लोड्स, ठीक है। तो लोड्स लाइव लोड लिख लेते हैं पहले, कितना दिया है 20 kN/m, फिर फिनिशिंग लोड हम अज्यूम कर लेंगे 0.6 kN/m फिनिशिंग लोड, ठीक है, और फिर डेड लोड, डेड लोड या फिर सेल्फ वेट भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया क्या होता है, गामा इंटू एल इंटू बी इंटू डी। तो गामा तो क्या है, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल, अभी हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, आरसीसी, तो आरसीसी का यूनिट वेट होता है 25 kN/m³। एल हम कंसीडर करते हैं 1, बी की वैल्यू हमको कितनी लेनी है, क्वेश्चन में दी है 200, मतलब
0.2 हो जाएगी इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3 सॉरी 270 है। हाँ इसमें कैपिटल डी लेना है हमको यानी ओवरऑल डेप्थ लेनी है तो ये हो जाएगा 0.3। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं इसको, 25 इंटू 0.2 इंटू 0.3 तो हमें मिल जाएगा 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है तो टोटल लोड हमको कितना मिलेगा, टोटल लोड तीनों को प्लस कर देंगे, ये 1 ये 2 और ये 3 तो तीनों को प्लस कर देंगे यानी लाइव लोड प्लस फिनिशिंग लोड प्लस डेड लोड तो दैट इज़ 20 प्लस 0.6 प्लस 1.5 तो ये हमें कितना मिल जाएगा 1.5 प्लस 0.6 प्लस 22.1 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है तो ये तो हमें क्या मिला है, टोटल लोड मिला है W। अब हमको डिज़ाइन लोड चाहिए तो डिज़ाइन लोड के लिए हम क्या करते हैं, पता है आप लोगों को क्या करते हैं, हम क्या करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको कितनी लेनी है 1.5। तो डिज़ाइन लोड यानी W की वैल्यू हमें मिल जाएगी 33.15 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है किलो न्यूटन पर मीटर ये मिल गया हमको W U। इसको इस तरीके से बॉक्स में लिख देंगे तो ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है तो ये हो गया यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब इसके बाद हमें मोमेंट और मोमेंट निकालना है और क्या निकालना है, शीयर फोर्स निकालना है। मोमेंट और शीयर फोर्स तो वो हम कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी दिया नहीं है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है या कैंटिलीवर बीम है या कंटिन्यूस बीम है तो हम क्या करेंगे मोमेंट और शीयर निकालने के लिए पहले लिख लेते हैं हम मोमेंट कैलकुलेशन। मोमेंट एंड शीयर कैलकुलेशन तो अब इसमें कुछ दिया नहीं है तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम द बीम इज सिंपली सपोर्टेड। ठीक है क्योंकि सिंपली सपोर्टेड का फॉर्मूला भी हमें याद होता है हमेशा, कैंटिलीवर और कंटिन्यूस में हमको थोड़ा सोचना पड़ता है। तो अगर ऐसा दिया नहीं हो तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो MU हमको कैसे मिल जाएगा, WL स्क्वायर बाय एट होता है और W हमको कौन सा लेना है डिज़ाइन लोड। तो रख देंगे वैल्यू फार्मूले में, क्या निकाली हमने 33.15 इंटू स्पान लेंथ हमको दिया है 5 मीटर इंटू अपॉन 8 तो ये हमको मिल जाएगी MU की वैल्यू। सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर 33.15 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8 तो ये मिल गया 103.59 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है ये हमें मिल गया MU। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसको हम नियरली इक्वल टू 104 भी ले सकते हैं। MU मिल गया हमको, अब डिज़ाइन शीयर भी निकाल लेते हैं। ठीक है डिज़ाइन मोमेंट हो गया, डिज़ाइन शीयर तो डिज़ाइन शीयर कैसे निकलेगा या फिर शीयर फोर्स तो वो हो जाएगा VU इज इक्वल्स टू क्या होता है WL बाय 2 तो W की जगह पर हमको क्या निकालना है डिज़ाइन फोर्स है इसलिए डिज़ाइन शीयर लेना है तो WU यानी कि 33.15 इंटू L है 5 अपॉन 2 तो इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेटर से बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेशन बट ना हमें जो वैल्यूज होती है वो ध्यान से रखनी पड़ेगी अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। 82.87 किलो न्यूटन तो देखिए ये भी दोनों डिजिट्स जो है 5 से बड़ी है तो हम नियरली इक्वल टू क्या ले लेंगे इसको भी 83 किलो न्यूटन तो ये हमको VU भी मिल गया और MU भी मिल गया। ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, क्या किया हमने सबसे पहले गिवन डाटा लिखा उसके बाद लोड कैलकुलेशंस करे तो हमको डिज़ाइन लोड मिल गया
फिर हमने मोमेंट और शियर निकाला। अब मोमेंट और शियर निकालने के बाद हमको क्या करना है, लिमिटिंग मोमेंट निकालना है। तो लिमिटिंग मोमेंट के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो IS कोड में दिया है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए भी किया था यूनिट फर्स्ट में, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसको भी। लिमिटिंग मोमेंट के लिए हमको क्या करना है IS कोड के मदद से, IS कोड कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, 456-2000, ठीक है। तो अब MU लिमिटिंग क्या होती है, 0.138 FC के BD square, ठीक है, किसके लिए, Fe415 के लिए। ये फॉर्मूलेज मैंने पहले भी बताए थे तीनों, MU लिमिटिंग Fe415 के लिए, Fe250 के लिए और Fe500 के लिए। और ये डिराइव कहाँ से होते हैं, ये जो पेज नंबर 96 पे फॉर्मूला दिया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से डिराइव होते हैं। इस फॉर्मूले में, ये सी वाले पार्ट में, MU लिमिटिंग वाले में, जब आप वैल्यूज पुट अप करोगे तो इसको मॉडिफाई करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा शॉर्ट में। तो हम ये इतना बड़ा ना लिखते हुए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, पेज नंबर 96 सी वाला पॉइंट, MU लिमिटिंग। तो इसमें रख देते हैं डायरेक्टली फार्मूला, तो क्या मिल जाएगा हमको, 0.138 इंटू FCK की वैल्यू हमने कितनी ली है, 25, इंटू B हमने कितना लिया है, 200, इंटू D, यानी हमें स्मॉल D की वैल्यू लेना है, तो वो हो जाएगी 270 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, 0.138 इंटू 25 इंटू 200 इंटू 270 का स्क्वायर, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, देखिए बहुत बड़ा है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, ENG का बटन दिख रहा है, ये ENG प्रेस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 50.30 इंटू 10^6 न्यूटन MM, क्योंकि सारी चीज़ें न्यूटन और MM में थी, है ना। तो अब इसको किलो न्यूटन पर मीटर में चेंज कर देंगे, तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कुछ नहीं, 10^6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का 10^6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, लिमिटिंग मोमेंट निकाल लिया, दिख रहा है प्रॉपरली। पेज नंबर 96 पर IS कोड में जो सी वाला पॉइंट है वही फॉर्मूला है ये, लेकिन ये मॉडिफाई किया है हमने थोड़ा, तो शॉर्ट में तीन स्टेप्स में निकल गया। अगर आप वो वाला फॉर्मूला उठाते ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता, तो हमने टाइम बचाने के लिए इसको मॉडिफाई करके पहले ही लिख के रखा है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताए थे तीनों फार्मूलेज, Fe415, 250 और 500 के लिए, अगर आप चाहो तो वो वीडियो एक बार मेरा देख सकते हो। अब हमको कंपेयर करना है, देखिए MU की वैल्यू हमको कितनी मिली थी, 104, और MU लिमिटिंग की वैल्यू हमको कितनी मिली, 50.30। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लिमिटिंग वैल्यू छोटी है, मतलब ये सिंगली रेनफोर्स बीम नहीं है, इसको हम किस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे, डबली रेनफोर्स बीम के हिसाब से, ठीक है। MU इज़ ग्रेटर देन MU लिमिटिंग, जब ये कंडीशन आती है इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारी बीम है वो किस तरह प्रकार से डिज़ाइन होगी, हैंस डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन इज टू बी डिजाइंड, सेक्शन इज टू बी डिजाइंड। समझ में आ रहा है क्या, क्या कंडीशन होती है पहचान करने की सिंगली है या डबली। अगर MU इज ग्रेटर देन MU लिमिटिंग, तो जो हमारा सेक्शन है वो कैसा है, डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारी स्टेप नंबर 5 क्या हो जाएगी, अब एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। तो एरिया ऑफ स्टील, अब अगर डबली रेनफोर्स सेक्शन है मतलब कंप्रेशन में भी स्टील प्रोवाइड करना है और टेंशन में भी, ठीक है, तो हम दोनों इसमें फाइंड आउट कर लेंगे स्टेप नंबर 5। तो सबसे पहले टेंशन में फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, टेंशन जोन। तो टेंशन जोन में क्या हो जाएगा,
हम इसको मान लेते हैं AST1, ठीक है, AST1 हमको फाइंड आउट करना है। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल सा तरीका है, क्या तरीका है फाइंड आउट करने का, सबसे पहले तो XU max निकालना पड़ेगा, है ना। XU max क्यों निकालना पड़ेगा, देखिए IS कोड में यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, IS 456 2000 पेज नंबर 96। अब ये जो पेज नंबर 96 वाला फॉर्मूला है, ए वाला फॉर्मूला देखिए, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वाला, तो इसमें XU की वैल्यू XU/D इज इक्वल टू 0.87 FY AST/0.36 FCK BD, यही है फॉर्मूला। तो यहाँ से हम AST की वैल्यू निकाल सकते ना, लेकिन हमारे पास XU नहीं है, तो XU हम कैसे निकाल लेंगे, तो XU हम निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, पेज नंबर 70 के फॉर्मूले से। XU max इज इक्वल्स टू 0.48 D, ये हमने कहाँ से निकाला, पेज नंबर 70, ठीक है। तो 0.48 × D हमारे पास कितना है, 270, तो हमको XU max कितना मिल जाएगा, 129.6, ठीक है, mm। तो इसको नियरली इक्वल टू हम कितना ले लेते, 130 mm मान लेते, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, XU max, है ना। अब उस फॉर्मूले में सारी चीज़ें हमारे पास है, फॉर्मूला क्या है मैं एक बार लिख लेती हूँ पेज नंबर 96 से, XU/D इज इक्वल्स टू, अब XU की जगह पर हम क्या ले रहे हैं, XU max इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST। अब AST कौन सा है यहाँ पर, AST1, क्योंकि टेंशन में AST1 ले लेंगे हम और कंप्रेशन में AST2 कर देंगे उसको, अपॉन में 0.36 FCK BD, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से AST की वैल्यू हमको मिल जाएगी, क्या करेंगे, D से D तो पहले कैंसिल हो जाएगा, है ना, D से D कैंसिल हो गया, इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो XU max इंटू 0.36 इंटू FCK इंटू D होल अपॉन में, ये नीचे आ जाएगा 0.87 × FY, तो क्या बचेगा सिर्फ AST1। तो यहाँ से हमको AST1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर देते हैं, AST1 इज इक्वल्स टू 130 × 0.36 × 25 × B, कितना है हमारे पास, 200 अपॉन में 0.87 × 415। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 130 × 0.36 × 25 × 200, दैट इज इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय 0.87 × 415 ब्रैकेट क्लोज, तो ये मिल जाएगा 648.11, 109 है तो हम इसको क्या ले लेंगे, 648.11 mm square AST1, ठीक है। ये तो बहुत इजीली हमने निकाल लिया, लेकिन जो एरिया ऑफ कंप्रेशन हमको निकालना है वो इतनी इजीली नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा आप देखते हैं। चलो AST निकाल लिया है तो अब नंबर ऑफ बार्स भी निकाल लेते हैं कि टेंशन जोन में हमको कितने बार्स प्रोवाइड करने है ना। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट 16 mm फाई बार्स बी प्रोवाइडेड इन टेंशन जोन, ठीक है। अब 16 mm बार्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ बार्स हम कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू AST1 जो हमने निकाला अपॉन में एरिया ऑफ वन बार। अगर वन बार का एरिया हम डिवाइड कर दें टोटल एरिया में से तो हमको नंबर ऑफ बार्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो 648.11
डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन बार, कितना है हमारे पास वन बार का एरिया, पाए इंटू कितना 16, तो 16 का स्क्वायर अपॉन 4, ये है वन बार का एरिया। ठीक है, तो अब ये 4 ऊपर चले जाएगा, तो 648.11 इंटू 4 डिवाइड बाय ब्रैकेट शिव दबा के पाई इंटू 16 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, तो हमको मिल जाएगा 3.22। ठीक है, 3.22, तो नियरली इक्वल टू कितने 4 बार्स, हम कितने बार्स प्रोवाइड करेंगे 4 बार्स, नंबर्स कितने हो गए 4 बार्स, समझ में आया। मतलब टेंशन जोन में हम 4 बार प्रोवाइड करेंगे जो कि कितने mm के होंगे 16 mm के। अब देखते हैं कंप्रेशन जोन में कैसे एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टेप नंबर 6 हो जाएगी हमारी, स्टेप नंबर 6, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, कंप्रेशन जोन में एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना है, तो अब इसको हम नाम दे देंगे AST2। AST2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो अब देखिए इसके लिए भी हमको कहाँ पर जाना है, पेज नंबर 96 पर IS कोड में। देखते हैं IS कोड वाला क्या बोलता है। IS कोड में ये देखिए, G12 सेक्शन विद कंप्रेशन रेनफोर्समेंट वेयर द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन एक्सीड्स द लिमिटिंग वैल्यू MU लिमिटिंग। मतलब अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU की वैल्यू, उसने क्या कहा है, अगर MU की वैल्यू लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ग्रेटर होती है, एक्सीड कर जाती है, तो उस कंडीशन में रेनफोर्समेंट हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। ठीक है, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट में भी ऑप्टेन बाय दिस फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को निकालने के लिए हमको टोटल एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल बी ऑप्टेन, टोटल एरिया तो हमको ये मिलेगा, लेकिन AST2 कैसे मिलेगा, तो AST2 देखिए ये फॉर्मूला दिया है, AST एरिया ऑफ टोटल टेंसाइल रेनफोर्समेंट और AST2 यानी ASC FSC अपॉन 0.87 FY, ये फॉर्मूला दिया है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन का। तो हमको कहाँ पर रिफर करना है, रिफर पेज नंबर 96 G12। ठीक है, इसको हमको रिफर करना है, तो अब इसके अकॉर्डिंग AST2 का फॉर्मूला क्या है, तो AST2 इज इक्वल्स टू ASC FSC अपॉन 0.87 FY। क्लियर, तो अब ये फॉर्मूला तो हमको पता चल गया, लेकिन ASC हमको नहीं पता, FSC की वैल्यू हमको नहीं पता है ना, तो ये वैल्यूज हमको कैसे मिलेगी, तो देखिए उसी के ऊपर उसने दिया है FSC निकालने के लिए, दिख रहा है क्या डायग्राम में, सॉरी IS कोड में दिख रहा है, दिख रहा है FSC डिजाइन स्ट्रेस इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कारस्पॉन्डिंग टू अ स्ट्रेन। तो FSC निकालने के लिए हमको पहले ये स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये स्ट्रेन निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, टू डिटरमाइन FSC εSC यानी स्ट्रेन हमको निकालना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 0.0035 XU मैक्स माइनस D- अपॉन XU मैक्स। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है, तो चलिए वैल्यूज पुट अप कर देते, 0.0035 XU मैक्स मतलब कि 130 माइनस 30 अपॉन 130। ठीक है, इनटू का साइन है यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, 130 माइनस 30 डिवाइड बाय 130।
तो 0.769 इंटू 0.0035 तो ये हमको मिल जाएगा 2.69 की पावर 10 की पावर माइनस 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.00269। ठीक है, टीएससी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 0.00269। ठीक है, अब इस वैल्यू से हम एफएससी कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, SP16 है, जैसे हमारे पास IS कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 456-2000, वैसे ही हमारे पास SP16 करके एक कोड है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड ने ही प्रोवाइड किया है। उसका टेबल ए देखना है हमको। ठीक है, अब उसका टेबल ए देखते हैं क्या है। तो ये देखिए उसका टेबल ए, मेरे पास उसका प्रिंट नहीं है इसलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया है। उसकी डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से उसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए SP16 का टेबल ए क्या कहता है। इस टेबल में डिज़ाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कोल्ड वर्म बार्स दिया है। अब कोल्ड बार्स कौन से होते हैं, तो Fe415 और Fe500 क्या कहलाते हैं, कोल्ड वर्म बार्स। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में हमको कौन सा यूज कर रहे हैं, Fe415, तो इसको देखना है हमें। ठीक है, अब उसने क्या दिया है, स्ट्रेन यानी ESC से हमको क्या निकालना है, FSC की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं ESC यानी स्ट्रेन हमारे पास कितना आया, 0.00269। तो क्या इसमें वैल्यू है 0.00269। देखिए 241 है और 276 है और हमारी वैल्यू इन दोनों के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हम वो वैल्यू निकालते थे याद है स्ट्रेस की यूनिट 1 में, उसी प्रकार से। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए दो कंडीशंस है। अगर आपकी ESC यानी स्ट्रेन की वैल्यू, अगर आपकी स्ट्रेन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है 0.003 से, तो आप डायरेक्टली FSC की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 0.87 FY से। और अगर आपकी वैल्यू लेस देन 0.003 से, तो आप क्या करोगे, इस टेबल से निकालोगे। तो अभी इस कंडीशन में हमारी वैल्यू 0.003 से लेस है ना, तो हम क्या करेंगे, इस टेबल से वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या वैल्यू है हमारे पास, हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0.00241 और यहाँ पर लिखेंगे 0.00276 और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, 0.00269 की, दिख रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो अब 241 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए टेबल में 342.8, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 342.8। और 276 की वैल्यू हमारे पास कितनी है टेबल में, वो है 351.8। ठीक है, देखिए 351.8। तो अब ये वैल्यू से हमको यहाँ पर बीच की वैल्यू चाहिए है ना, तो आप पहले ये ड्रॉ कर लेते। तो देखिए मतलब यहाँ तक भी हमारे पास क्या वैल्यू है, 342.8। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसमें से इसको माइनस कर लेते, 351.8 - 342.8, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 9। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो कैसे मिलेगा, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, 0.00276 - 0.00241, तो हमें कितना मिल जाएगा, 0.00035, यही मिलेगा। फोर्थ डिजिट पे 3 लाना है हमें, 1, 2, 3, और ये फोर्थ डिजिट पे 3। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको मिल गई। इसके बाद टेन थीटा निकाल लेंगे, ये एंगल अगर हमने थीटा मान लिया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हमें टेन थीटा मिल जाएगा, और फिर ये छोटा वाला ट्राइंगल कंसीडर करके हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। फिर दोनों वैल्यूज मतलब ये और ये प्लस कर देंगे, तो हमें ये वाले पॉइंट पे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि 9 डिवाइड बाय 3.5 × 10⁻⁴ ब्रैकेट क्लोज, तो ये हमें मिल जाएगा 2
25714.28, ठीक है। अब इससे हमको ये P निकालना है यहाँ का, तो पहले हम इतने डिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो 0.269 माइनस 0.00241, तो ये हमें इतनी मिल गई। दिस डिस्टेंस इनटू दिस 25714.28, तो हमें P मिल जाएगा। कितना मिला P? P की वैल्यू 7.199, तो 7.2 ले लेते हैं हम इसको। तो 7.2 प्लस 342.8, तो हमें कितना मिल जाएगा आंसर? थ्री फिफ्टी न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब इस टेबल से हमने क्या पता लगाया, फॉर ESC इज इक्वल्स टू 0.00269, FSC क्या मिलेगा हमको? 350। और FSC आने स्ट्रेस है, तो न्यूटन पर mm की यूनिट हो जाएगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमको FSC मिल गया इस टेबल से। अब FSC तो मिल गया, लेकिन अब ASC भी चाहिए हमको इस फॉर्मूले में। तो ASC कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ऊपर एक फॉर्मूला दिया है, ये वाला फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर MU की वैल्यू ग्रेटर होती है MU लिमिटिंग से, तो हमें ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो अब इस फॉर्मूले में देखिए, सारी चीज़ें हमारे पास है, MU है, MU लिमिटिंग है, FSC है, D और D डैश भी है। तो यहाँ से हमको ASC मिल जाएगा, है ना। तो ASC की वैल्यू रख देते हैं इस फॉर्मूले में। ये हमको FSC मिल गया। अब ASC के लिए हम क्या करेंगे, पेज नंबर 96 वाला फॉर्मूला रखेंगे। तो MU माइनस MU लिमिटिंग इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, FSC ASC D माइनस D डैश, ठीक है। आप लोग जब भी सॉल्व करोगे तो IS कोड और कैलकुलेटर अपने पास लेके बैठो, ताकि फटाफट से सॉल्व हो जाए। और पेज नंबर हमें याद होना चाहिए कि कौन से पेज पर कौन सा फॉर्मूला है, ताकि ज़्यादा ढूंढना ना पड़े एग्ज़ाम के टाइम पे। तो MU हमने कितना निकाला था देखते हैं। ये देखिए, MU हमने निकाला था 104 और MU लिमिटिंग हमने निकाला था 50.3। अब लेकिन ये किलो न्यूटन मीटर में है, तो हमको इसको पहले न्यूटन mm में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 104 × 10⁶ न्यूटन mm में हो जाएगा ये, माइनस 50.30 × 10⁶ इज इक्वल्स टू FSC अभी हमने निकाला 350 इंटू ASC हमें नहीं पता, इंटू D माइनस D डैश यानी 270 − 30। तो इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, पहले इधर का सॉल्व कर लेते, 104 × 10⁶ माइनस ब्रैकेट 50.30 × 10⁶ ब्रैकेट क्लोज, तो ये मिल गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 350 × 270 − 30, दैट इज 240 ब्रैकेट क्लोज। तो हमको ASC कितना मिल गया, 639.285 है, तो इसको 29 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ASC हमको यहाँ से मिल जाएगा 639.29 mm स्क्वायर, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें हमको मिल गई इस फॉर्मूले के लिए। तो अब ये फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो AST2 यहाँ से हमको मिल जाएगा ASC FSC / 0.87 FY। तो ASC अभी हमने निकाला, इसकी वैल्यू रख देते हैं, इंटू FSC हमने ऊपर निकाला था 350 इंटू 0.87 इंटू FY की वैल्यू है 415। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 619.72। AST2 हमको कितना मिल गया, 619.72 mm स्क्वायर। मतलब एरिया इन कंप्रेशन जोन हमने फाइंड आउट कर लिया।
अब नंबर ऑफ बार्स निकालने होंगे इसके लिए, तो नंबर ऑफ बार्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू AST2 अपॉन एरिया ऑफ वन बार. तो अब पिछली टेंशन के लिए हमने 16 mm के बार अज्यूम करे थे, तो इसमें भी हम 16 mm के बार ही ले लेते. लेट 16 mm फाइव बार्स आर प्रोवाइडेड इन प्रोवाइडेड और यूज्ड इन कंप्रेशन जोन. ठीक है, ये लाइन हमको लिखनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा कि हमने 16 mm के बार लिए. तो नंबर्स हमको क्या मिल जाएगा, AST2 यानी 619.72 अपॉन में पाई इंटू 16 का स्क्वायर अपॉन 4. ये एरिया ऑफ वन बार हो गया, तो ये 4 ऊपर चले जाएगा इंटू 4 डिवाइड बाय पाई इंटू 16 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. तो ये हमें मिल गया 3.08 है ना, 3.08. तो हम नियरली इक्वल्स टू इसको 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, तो हम 3 बार्स कंसीडर कर लेते हैं. तो ये हमको नंबर्स भी मिल गए, ठीक है, कंप्रेशन और टेंशन के लिए. अब इसके बाद हमको क्या लास्ट स्टेप है हमारी, शीयर के लिए डिज़ाइन करना है. ठीक है, हम ये क्या कर रहे हैं, बीम का डिज़ाइन कर रहे हैं. तो हमने सबसे पहले गिवन डाटा लिखा, लोड कैलकुलेशंस करे, फिर मोमेंट और शीयर कैलकुलेट करा, फिर लिमिटिंग मोमेंट निकाला. तो लिमिटिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का कंपैरिजन करके हमको ये पता चला कि डबली रेनफोर्स बीम है. तो डबली रेनफोर्स बीम के लिए हमने क्या किया, टेंशन में भी और कंप्रेशन में भी एरिया निकाला स्टील का कि कितने एरिया में हमको रेनफोर्समेंट देना है, और नंबर ऑफ बार्स निकाले कि कितने बार्स हम देंगे. ठीक है, अब इसके बाद हमारी जो लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 7. तो स्टेप नंबर 7 क्या है, डिज़ाइन ऑफ शीयर. तो ये हमको वैसे ही करना है जैसे हम यूनिट 1 में किया था हमने सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए. तो सबसे पहले हम निकालेंगे नॉमिनल शीयर, जो कि हमको कहाँ से मिलेगा, पेज नंबर टाउ वी निकाल रहे हम, कहाँ से मिलेगा, पेज नंबर 72 IAS कोड में, जिसका फॉर्मूला होता है VU अपॉन B इंटू D. तो VU क्या है हमारे पास, हमने स्टार्टिंग में ही निकाला था शीयर फोर्स. VU हमने कितना निकाला था, ये देखिए हमने निकाला था 83 किलो न्यूटन. ठीक है, तो 83 किलो न्यूटन है लेकिन B और D mm में है, तो हम इसको भी न्यूटन में चेंज कर देंगे. तो 83 इंटू 10 की पावर 3, और हमारे पास B और D कितना गिवन है, देखिए भी हमारे पास है 200 और स्मॉल डी लेना है तो वो है 270. तो 200 अपॉन 200 इंटू 270, तो ये हमें मिल जाएगा 83 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय ब्रैकेट 200 इंटू 270. ब्रैकेट लेने से क्या होता है ना कि पूरी वैल्यू एक साथ आपकी सॉल्व हो जाती है. ठीक है, तो हमको कितना मिल गया, 1.537 है, तो हम इसको लिख देंगे 1.54 न्यूटन पर mm स्क्वायर. नॉमिनल शियर स्ट्रेस है ये. ठीक है, तो टाउ वी से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको. अब उसके बाद हमको निकालना है टाउ सी. ठीक है, तो टाउ सी के लिए हमको कहाँ पर जाना है, पेज नंबर 73 टेबल नंबर 19 IAS 456-2000. ठीक है, तो आप टेबल नंबर 19 की क्यों ज़रूरत पड़ेगी हमको, क्योंकि उसके उससे पहले हमको परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू AST अपॉन BD. तो अब ये AST कौन सा है इसमें, तो AST है टोटल वाला. ठीक है, ये जो AST है टोटल, यानी AST1 प्लस AST2 दोनों की वैल्यूज हम पुटअप करेंगे. तो AST1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है देख लेते हैं. देखिए AST1 हमने निकाला है 648.11, यहाँ पर रख देंगे. और AST2 अभी निकाला था हमने, ये निकाला है 619.72, तो ये भी रख देंगे प्लस 619.72 अपॉन में बी इंटू डी यानी 200 इंटू 270. तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 100 इंटू ब्रैकेट 648.11 प्लस
619.72 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय ब्रैकेट 200 इंटू 270 ब्रैकेट क्लोज, तो ये हमें मिल गया 2.35। कितना मिल गया हमको? 2.347 है तो हम ले लेंगे 2.35। ये मिल गया परसेंटेज ऑफ स्टील। अब परसेंटेज ऑफ स्टील को देखकर हमको टेबल से टाउ सी की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 73 पर। अब देखिए 2.35 के लिए क्या वैल्यू है हमारे पास, देखिए यहाँ पर 2 के लिए वैल्यू है, 2.25 के लिए और 2.50 के लिए, मतलब 2.35 के लिए हमको निकालनी पड़ेगी इन दोनों का इंटरपोलेशन करके, है ना। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं छोटी सी जगह में, नए पेज पर करते हैं। चलिए परसेंटेज ऑफ स्टील हमारे पास कितना आया है 2.35, तो इससे हमको टाउ सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73। तो अब देखते हैं टेबल में 2.35 से छोटा कौन सा है, 2.25, और हमने क्या लिया है M25, तो M25 के लिए 2.25 के लिए वैल्यू कितनी है 0.85। ऐसे हमको मैच करके चलना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2.25 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.85। फिर उसके बाद क्या है 2.25 से बड़ा 2.50, 2.50 के लिए M25 में वैल्यू कितनी है 0.88, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.88। और इंटरपोलेशन से या फिर टेन थीटा वाले मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 2.50 के लिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 2.35 की। तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी मेथड है, देखिए जैसी हमने अभी पिछली बार की थी एचएससी निकालने के लिए, सेम फॉलो करनी है। ये एंगल ले लेते हैं हम थीटा, तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और नीचे वाली साइड हो जाएगी बेस, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर तो हमको मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, देखिए यहाँ तक के भी कितना है 0.85, तो 0.88 माइनस 0.85 कितना हो जाएगा 0.03। तो ये हो गई 0.03, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2.50 माइनस 0.25। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमने निकाला 0.03, बेस निकाला 0.25, तो 0.03 डिवाइड बाय 0.25 किया हमने, तो हमें टेन थीटा मिल गया 0.12। अब आप बोलोगे कि मैम निकालने की ज़रूरत क्या थी, तो देखिए क्या ज़रूरत थी, अगर हमको इस पॉइंट के लिए निकालना है, मतलब यहाँ पर वैल्यू चाहिए, तो अगर ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है सभी को, तो इस छोटे ट्रायंगल में अगर हम पी निकाल लेंगे तो दोनों को प्लस करके हमको ये पॉइंट पे वैल्यू मिल जाएगी। इजी है बहुत, है ना। तो पहले ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, 2.35 माइनस 2.25, तो ये हमें मिल गया 0.1। अब पी निकालना है हमको, टेन थीटा तो हमारे पास है, कितना है हमारे पास थीटा की वैल्यू, तो वो है 0.12। पी निकालना है, बेस हमारे पास कितना है 0.1, तो हम क्या कर देंगे 0.1 में 0.12 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये पी मिल गया 0.012। तो अब इस 0.012 को हम इसमें प्लस कर देंगे 0.85 में, तो हमें यहाँ पर वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0.862। कितनी वैल्यू मिल जाएगी हमको, 10 टाउ सी की वैल्यू हमको मिल गई 0.862। देखिए 0.862 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है टाउ सी बड़ा है कि टाउ वी बड़ा है। तो देखिए हमने टाउ सी की कितनी निकाली थी वैल्यू, टाउ वी की 1.54, टाउ वी हमने कितना निकाला 1.54 और टाउ सी है 0.86, मतलब कौन बड़ा है, टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी, देयरफोर हमको क्या डिजाइन करना पड़ेगा,
शीयर रेनफोर्समेंट, शीयर रेनफोर्समेंट इज टू बी डिजाइंड। ठीक है, अब इसकी डिजाइनिंग स्टेप क्या है, पेज नंबर 73 पर फॉर्मूला दिया है। ठीक है, स्टेप नंबर 8 हो जाएगी वो शीयर रेनफोर्समेंट। तो हम कैसे निकालेंगे, रिफर IS 456/2000 पेज नंबर 73। ठीक है, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है ये, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स में, डायरेक्टली 14 मार्क्स में, एक यूनिट से एक ही क्वेश्चन आ जाता है 14 मार्क्स का, तो इसलिए इसको ध्यान से करिएगा और बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने को। देखिए ये फॉर्मूला दिया है पेज नंबर 73 पे, VUS हम निकालेंगे पहले तो VU माइनस टाउ सी BD से। ठीक है, VUS इज इक्वल्स टू VU माइनस टाउ सी BD से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट अप करके पहले VUS मिलेगा और फिर ये VUS से हम क्या निकालेंगे, ये नीचे फॉर्मूला दिया है A वाला, तो इससे हम AS भी निकाल लेंगे। VUS इज इक्वल्स टू 0.87 FY ASV D / SV। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, SV की वैल्यू। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेसिंग बता देंगे कि हमको कितनी स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। तो चलिए VUS निकाल लेते हैं पहले, इसकी वैल्यू क्या है, VU की 83 × 10³ माइनस tau c हमने अभी निकाला 0.86 × 200 × 270, तो ये हमें सॉल्व करके मिलेगा 36560 न्यूटन पर mm, न्यूटन पर mm। ठीक है, फिर VUS के फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, SP निकाल लेंगे, तो हम अज्यूम कर लेते हैं 2 lakh 8 mm 5 hours। ठीक है, तो 2 lakh bars अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ से हमको ASV मिल जाएगा, ASV मिल जाएगा तो हम SV निकाल लेंगे, तो ASV क्या हो जाएगा, 2 × π × 8² / 4। तो ये कैलकुलेट करके हमको कितना मिलेगा, 100.53 mm². ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले से हम SV निकाल लेंगे, तो SV इज इक्वल्स टू 0.87 FY ASV D / VUS। तो सारी वैल्यूज पुट अप कर देंगे फॉर्मूले में, कुछ भी नहीं किया है मैंने, बस इस फॉर्मूले में SV इधर शिफ्ट कर दिया और VUS इधर शिफ्ट कर दिया, तो रख देते हैं वैल्यूज। VUS हमने अभी निकाला 36560, तो हमको SV कितना मिल गया, 260.05 mm। ठीक है, तो नियरली इक्वल टू हम ले लेंगे 260 mm। अब जो SV है हमारा, इसके लिए भी क्राइटेरिया दिया है पेज नंबर 47 पर IS 456/2000 में, और वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग या तो आपने जो कैलकुलेट किया वो होना चाहिए, स्पेसिंग या तो फिर 0.75 D होना चाहिए या फिर 300 mm होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लास्ट में लाइन लिख देंगे। अब मिनिमम है तो मिनिमम 260 भी ले सकते हैं, मैक्सिमम कितनी चाहिए, 300, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हम स्पेसिंग, तो हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, हैंस प्रोवाइड 2 lakh 8 mm 5 hours एट, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, हैंस प्रोवाइड 2 8 mm 5 hours एट 260 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये उसका लिखने का तरीका है, 2 8 mm 5 hours एट 260 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पूरा डिज़ाइन ऑफ बीम का न्यूमेरिकल है वो ख़त्म होता है। ठीक है,
आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।